न्यूमेरिकल है लाइट विद एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स और इंटेंसिटी एक ही बात होती है, आप यूनिट से चेक कर सकते हो, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। तो आपको इंटेंसिटी गिवन है, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सीधी गिरती है, सरफेस एरिया गिवन है, एवरेज फोर्स कितनी लगी 30 मिनट में ये बताओ। तो अगर 30 मिनट तक ये ईएम वेव नीचे गिरती रही सरफेस के ऊपर, एवरेज फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो रूल नंबर वन, आपको ये पता है कि इंटेंसिटी इसके इक्वल है। अब आपको ये पता है कि यू एनर्जी होती है, एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। एरिया और टाइम को राइट साइड पे लेके तो क्या बच गई? सिर्फ एनर्जी। यानी कि इंटेंसिटी को एरिया और टाइम, एरिया और टाइम वैसे तो इसके नीचे आता है पर मैं राइट साइड पे ले गया। अब एनर्जी फ्लक्स यानी कि इंटेंसिटी मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, तो मेरे पास क्या आ गई? एनर्जी की वैल्यू आ गई। इतनी एनर्जी ई एम वेव ने सरफेस से फेंकी। अब मोमेंटम क्या होगा? एनर्जी बाई सी किया था आज हमने, तो इतना मोमेंटम फेंका। फोर्स क्या होगी? मोमेंटम बाय टाइम फोर्स है, डी पी बाई डी टी। तो मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे, एवरेज फोर्स आ गई, आंसर आ गया। अब क्योंकि ये फोर्स जो सरफेस है वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है, अगर ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होती तो यही रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाता? टू से। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया?